हेलो स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के चैप्टर में अभी तक हमने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करना सीखा और काफ़ी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस भी की एफएमपी और सुपर प्रॉफिट की। अब हम गुडविल की कैलकुलेशन करना भी सीखेंगे। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के तीन मेथड्स हैं, वर्षों की क्रय विधि, पूंजीकरण विधि, वार्षिक वृद्धि विधि। क्या है ये मेथड्स देखते हैं। वर्षों की क्रय विधि यानी ईयर परचेस मेथड। इस विधि में यह माना जाता है कि क्रेता भविष्य में जो लाभ कमाएगा उसके कुछ वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य विक्रेता को दे देगा। हमने पढ़ा था कि गुडविल की कैलकुलेशन की क्यों जाती है, किन परिस्थितियों में, क्या ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिसकी वजह से ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है। तो हमने देखा था कि जब कोई व्यापारी अपने अपने व्यवस्थित बिजनेस को, अपने एस्टैब्लिश्ड बिजनेस को बेचता है तो वह क्रेता से, खरीदने वाले से अपनी शुद्ध संपत्तियों के अलावा कुछ और राशि वसूल करना चाहता है। किस लिए? इतने वर्षों तक उसने जो अपना व्यापार एस्टैब्लिश्ड किया, स्थापित किया, उसके प्रॉफिट्स बढ़ाए, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई व्यापार की, इसी प्रतिष्ठा, इसी यश के लिए वो क्रेता से संपत्तियों के अलावा राशि लेता है और इसी को हम गुडविल कहते हैं। इसी गुडविल का हमें वैल्यूएशन करना है। तो जो क्रेता है उसको व्यापार खरीदते ही लाभ प्राप्त होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो लाभ जो विक्रेता है उसने इतने वर्षों में जो व्यापार को प्रतिष्ठित किया इसीलिए उसे क्रेता को मिलते हैं। तो क्रेता भविष्य में जो लाभ कमाएगा, व्यापार खरीदते ही जो प्रॉफिट्स उसको प्राप्त होने स्टार्ट हो जाएंगे, उसके कुछ वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य डिसाइड किया जाता है और वो विक्रेता को दे देता है। कि अगर वो नया बिजनेस स्टार्ट करता तो उसके प्रॉफिट्स इतने नहीं होते, जबकि उसने विक्रेता के प्रतिष्ठित व्यापार को खरीद लिया तो व्यापार खरीदते ही उसको प्रॉफिट्स स्टार्ट हो गए। तो डिसाइड किया जाता है क्रेता और विक्रेता के बीच में, ये डिसाइड होता है कि कितने वर्षों के प्रॉफिट्स के बराबर क्रेता जो है विक्रेता को भुगतान करेगा और यह भुगतान ही ख्याति का मूल्य कहलाता है। तो वर्षों की क्रय विधि में ख्याति का मूल्य कैसे निकाला जाता है? अगर हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के आधार पर निकाल रहे हैं, यानी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट एक ही बात है, बताया था मैंने आपको। तो आपको गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है? गुडविल इक्वल्स टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स। ईयर्स आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि क्रेता और विक्रेता के बीच में क्या निर्णय हुआ है, कितने वर्षों के बराबर के लाभ के लिए उनके बीच ये डिसीजन हुआ है कि कितने वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य डिसाइड किया जाएगा। तो ईयर्स हमें गिवन होगा और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यानी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की कैलकुलेशन हम सीख चुके हैं। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को वर्ष से गुणा करना होगा। अच्छा, अगर हम सुपर प्रॉफिट के आधार पर गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स। प्रश्न हमें बताएगा कि हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के आधार पर कैलकुलेशन करनी है गुडविल की या सुपर प्रॉफिट के आधार पर, ठीक है। और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। फर्स्ट मेथड इतना ही है। सेकंड मेथड पर आते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। इस विधि में लाभों का पूंजीकरण कर लिया जाता है। लाभों के पूंजीकरण मूल्य से क्या आशय है कि लाभ की अमुक राशि को कमाने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, ठीक है। अच्छा, इस मेथड में कैसे कैलकुलेशन की जाती है गुडविल की? अगर आप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को बेस बना रहे हो, बेस्ड ऑन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट गुडविल इक्वल्स टू जो आपके प्रॉफिट हैं उसको आप रेट ऑफ रिटर्न, जो आपकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगी, इससे डिवाइड करोगे तो आपके प्रॉफिट कैपिटलाइज्ड हो जाएंगे, पूंजीकृत मूल्य ज्ञात हो जाएगा और इस पूंजीकृत मूल्य में से हम क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देंगे तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम सुपर प्रॉफिट के बेस पर
गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड में, तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने कुछ माइनस नहीं किया, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। याद कीजिए, जब हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो हम ऑलरेडी एफएमपी में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर चुके होते हैं। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू, कैसे कैलकुलेट होते हैं सुपर प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होते हैं, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अप्लाई करके। तो हम ऑलरेडी पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम माइनस कर चुके हैं। अब सुपर प्रॉफिट से जब हम कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन होगी सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। दो मेथड्स हो गए। थर्ड मेथड है एन्यूटी मेथड, वार्षिक वृत्ति विधि। वार्षिक वृत्ति विधि में कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इस विधि में जितनी राशि क्रेता ख्याति के रूप में भुगतान करेगा उसे वह निश्चित वर्षों में लाभों के रूप में वसूल कर लेगा। अच्छा, इसमें क्या माना जाता है कि जो बिजनेस परचेज कर रहा है उसको जितनी भी रकम गुडविल के रूप में विक्रेता को देनी पड़ रही है उतनी राशि वह वापस अर्जित कर लेगा। कैसे अर्जित करेगा, लाभों के रूप में, एक पर्टिकुलर ईयर्स के प्रॉफिट्स के रूप में वापस वसूल कर लेगा, ऐसा इस विधि में माना जाता है। यह विधि तीनों विधियों में श्रेष्ठ विधि है क्योंकि एक वैज्ञानिक विधि है। इसमें अधिलाभ या औसत लाभ की राशि को वार्षिक वृत्ति के वर्तमान मूल्य से गुणा कर ख्याति की राशि निकाली जाती है। वही है, अधिलाभ को आप बेस बनाओ या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट यानी एवरेज प्रॉफिट को बेस बनाकर वार्षिक वृत्ति के वर्तमान मूल्य से गुणा कर ख्याति की राशि निकाली जाती है। यहाँ पर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया है, सुपर प्रॉफिट पर आधारित, बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू। वर्तमान मूल्य किसका होता है, वर्तमान मूल्य औसत लाभ की राशि को वार्षिक वृत्ति के वर्तमान मूल्य से गुणा कर ख्याति की राशि निकाली जाती है। तो प्रेजेंट वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी। अगर ये प्रेजेंट वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो ये जो फॉर्मूला है इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जैन खंडेलवाल पारिक बुक का क्वेश्चन नंबर, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 4 मैं ले रही हूँ, इसको आज हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में रीड करती हूँ। हरी की लाभ वाली खातों से निम्नलिखित परिणाम प्रकट हुए, वर्ष 2012 में 1,00,000 रुपए का लाभ, वर्ष 2013 में 1,20,000 का लाभ, वर्ष 2014 में 1,80,000 का लाभ, वर्ष 2015 में 10,000 रुपए की हानि और वर्ष 2016 में 1,20,000 रुपए का लाभ। हरी अपने व्यापार को 1 जनवरी 2017 को जुगल को बेचने का इरादा रखता है, मीन्स बिजनेस सेल हो रहा है, जुगल खरीद रहे हैं। निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए ख्याति की राशि ज्ञात कीजिए। ख्याति की राशि ज्ञात कीजिए। ख्याति का मूल्यांकन गत 5 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर करना है। ध्यान से सुनना, वापस मैं रिपीट करती हूँ। ख्याति का मूल्यांकन गत 5 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर करना है। 5 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट, 5 ईयर्स के प्रॉफिट हमें दे रखे हैं, एवरेज प्रॉफिट यानी कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट वो हम कैलकुलेट कर लेंगे उसके 2 वर्षों के क्रय के आधार पर। तो जो फर्स्ट वाला मेथड हमने पढ़ा था ना गुडविल वैल्यूएशन का, वर्षों की क्रय विधि, वही मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं 2 वर्षों के क्रय के आधार पर। जो सेकंड क्या दिया है, वर्ष 2014 में 40,000 का सत्य से लाभ हुआ था जिसे संबंधित वर्ष के लाभानी खाते में क्रेडिट करते हैं। स्पेक्युलेशन प्रॉफिट है, सत्य का लाभ है, आपको बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले गए हो वो गलत है, माइनस करना होगा 2014 के प्रॉफिट्स में से। वर्ष 2015 में एक मशीन अग्नि से नष्ट हो गई थी और उसका 1,20,000 का सीमावर्ती मूल्य यानी स्क्रैप वैल्यू लाभ हानि खाते में चार्ज कर दिया।
2015 में जो लॉस वाइफ आया था मशीन का, उसकी जो स्क्रैप वैल्यू थी वो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके डेप्रिसिएशन लेके जाते हैं स्क्रैप वैल्यू में। तो लॉस वाइफ आया रहे तो एबनॉर्मल लॉस है, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरा का पूरा चार्ज नहीं कर सकते, ये भी वापस एड हो जाएगा 2015 के प्रॉफिट में। जुगल को हरी के व्यवसाय में नियुक्त मैनेजर की सेवाओं की आवश्यकता नहीं होगी जिसको कि 2000 रुपये प्रतिमा वेतन दिया जाता था। क्यों? क्योंकि जुगल स्वयं अपने व्यापार का निर्देशन करेगा। जो हरी था जिसका अभी बिजनेस है उसने तो मैनेजर अपॉइंट कर रखा था, 2000 रुपये पर मंथ उसको सैलरी देता था, लेकिन जो न्यू परचेजर है जो क्रेता है उसको मैनेजर की जरूरत नहीं है, वो खुद ही मैनेज करेगा बिजनेस को। तो जो मैनेजर को सैलरी दी जाती थी 2000 रुपये पर मंथ, ये बच जाएगा ये वाला खर्चा, तो ये खर्चा फ्यूचर में बच जाएगा, ये एक्सपेंस नहीं होगा। वर्तमान में जुगल एक कंपनी में 3000 रुपये प्रतिमा के वेतन पर कार्य कर रहा है, उस पद से वह त्याग पत्र दे देगा। लेकिन जुगल स्वयं क्या कर रहा है, जॉब करता है जहां से 3000 पर मंथ सैलरी मिलती है, अब वो वहां से रिजाइन करेगा त्याग पत्र देगा तो उसको वहां से वो सैलरी नहीं मिलेगी। सैलरी नहीं मिलेगी तो उसके लिए तो एक तरीके का उसके प्रॉफिट्स बंद हो गए, प्रॉफिट्स कम हो रहे 3000 रुपीज पर मंथ। बट ये लास्ट वाला जो एडजस्टमेंट है मैनेजर की सर्विसेज और जुगल का खुद का रेम्यूनरेशन, ये फ्यूचर रिलेटेड है, तो पहले हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे उसके बाद फ्यूचर के उसमें एडजस्टमेंट्स करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वैल्यूएशन करनी है हमें गुडविल की ईयर परचेज मेथड से, परचेजिंग रेवेन्यू से, और ईयर परचेज मेथड में हमें औसत लाभों के 2 वर्ष की क्रय के आधार पर करनी है। पहले औसत लाभ कैलकुलेट करें यानी फ्यूचर मेंशनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंशनेबल प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं, हमें लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स दे रहे हैं, 2012 से 2016 तक के प्रॉफिट हमें दिए हुए पर्टिकुलर्स, 2012 से प्रॉफिट हमें दे रहे हैं, जो प्रॉफिट हमें गिरा है सबसे पहले हम बोलेंगे प्रॉफिट्स गिवन, कितने कितने हैं प्रॉफिट्स 2012 में 1 लाख, 2013 में 25,000, 2014 में 1,80,000, 2015 में लॉस है 10,000 का लॉस है, तो लॉस को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में माइनस, और 2016 में 1,20,000। अच्छा, एडजस्टमेंट क्या दिया है, 2014 में स्पेकुलेशन प्रॉफिट था, स्पेकुलेशन प्रॉफिट नहीं ऐड होगा प्रॉफिट में तो माइनस कर देंगे, प्लस स्पेकुलेशन प्रॉफिट 2014 से रिलेटेड है, अमाउंट कितना है 40,000, तो 2012 में कुछ नहीं 13 में कुछ नहीं, 2014 के प्रॉफिट में से 40,000 हम माइनस कर देंगे, मैस कर देंगे तो ब्रैकेट में देंगे 1500 में कुछ नहीं। अच्छा, 2015 में लॉस बाय फायर मशीन का लॉस हो गया फायर से, लेकिन हमने जो स्क्रैप वैल्यू थी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर दी 2015 में, कितना अमाउंट है 1,20,000, वो चार्ज नहीं करना था, वापस ऐड कर देंगे एंड लॉस ऑफ मशीन बाय फायर, क्योंकि ये हमारा एबनॉर्मल लॉस है, ये बिजनेस लॉस नहीं है एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा। 2015 में 1,20,000 1,20,000 वापस ऐड करेंगे, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ऐड कर देंगे, 2016 में कुछ नहीं। अच्छा, एडजस्टमेंट तो यही दोनों दे रखे हैं, 2014 का 2015 का, और किसी ईयर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम कैलकुलेट करेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट 2012 में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वही प्रॉफिट रहेगा, 2013 में भी वही प्रॉफिट रहेगा 1,20,000, 2014 में 1,80,000 प्रॉफिट हमें दिया हुआ था, लेकिन 40,000 इसमें सट्टे का लाभ था वो हमने माइनस कर दिया,
लॉस बाय फायर मशीन, लॉस ऑफ मशीन बाय फायर, इसे हम वापस ऐड करेंगे। तो अब हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1,20,000 इसमें माइनस हो जाएंगे 10,000 जो लॉस था, तो 1,10,000 ये माइनस में है, ये प्लस में है, इसलिए 1,10,000 और 2016 में 1,20,000। ये एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो गए। एडजस्टेड प्रॉफिट, हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट ट्रेंड देखेंगे हम, प्रॉफिट का बढ़ रहा है यहां तक, लेकिन इसके बाद वापस कम हो गया, फिर बढ़ गया, तो कंटिन्यू बढ़ते हुए क्रम में नहीं है या फिर कंटिन्यू घटते हुए क्रम में भी नहीं है। तो हम वेटेड नहीं कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एड करेंगे क्या बोला है क्वेश्चन ने, औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर, औसत लाभ कितना है 1,06,000, एवरेज प्रॉफिट इनटू इयर्स, यही है फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इनटू इयर्स, एवरेज प्रॉफिट है 1,06,000 और इयर्स क्वेश्चन ने हमें बताया है 2 साल, 2,12,000। क्या ये मिल की वैल्यू 2,12,000, ये आपका आंसर है 2,12,000। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्लास में एफएमपी और सुपर प्रॉफिट के और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।